Hey guys, Adnan Farooq here, adnanfarooq.com, or as always, I'm bringing you a topic that hopefully is going to change your perception and your perspective on how to lead a healthy and fit life. Or, the interesting thing about the fitness industry is ke isme nayi nayi cheeze develop hoti rehti hain. A lot of people take them negatively, but I take them positively because जिस चीज के अंदर इवोल्यूशन होती है वहीं पे ही प्रोग्रेस होती है. सो दैट्स इट्स एज सिंपल एज दैट. सो कार्बोहाइड्रेट्स इन टुडेज डे एंड एज आर बीइंग डीमोनाइज्ड एंड अक्रॉस द बोर्ड उनको बुरा भला कहा जा रहा है कि जी कार्बोहाइड्रेट्स कम करने की जरूरत है बिकॉज दे आर नॉट हेल्पिंग यू इन अचीविंग योर गोल्स. बट देयर इज अ बिट ऑफ मोर ट्रूथ दैट इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम यू आइदर बिकॉज पीपल डोंट हैव इनफ नॉलेज और बिकॉज एक चलती बात आ रही है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर बैड. सो होपफुली बाय द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन आई प्रोमिस यू दैट यू विल हैव द राइट अमाउंट एंड द राइट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन टू अचीव योर हेल्थ एंड फिटनेस गोल्स. देखिये एक बात तो तय है कि कार्बोहाइड्रेट्स की कंजम्पशन से प्रॉब्लम तो होती है. वी टॉकिंग डायबिटीज, वी टॉकिंग प्री डायबिटीज विच इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, वी टॉकिंग फैट अक्यूमुलेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. But this is just one side of the story. The other side of the story, people are not talking about. So what I want you to do is grab a pen and paper and start writing things down. Because aap cheeze likhoge, aapko pata lagega, you can go over it later on. So I'm going to give you 5 points and agar hamare paas itna time hoga, I'm going to add one bonus point. But if before I do that, अपने दिल को खोल के दिमाग को खोल के बैठे हैं बिकॉज यू नो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल वी हैव सो मेनी बायसेस दैट यू नो वी डोंट लेट एनीथिंग न्यू एंटर इनटू आवर लाइव्स बिकॉज वी आर जस्ट टू सोल्ड ऑन समथिंग दैट वी नो ऑलरेडी. सो आई वॉन्ट यू टू यू नो वट एवर योर बायसेस आर, वट एवर योर यू नो योर इनसिक्योरिटीज आर, वट एवर योर नॉलेज इज अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस, थोड़ा सा अपना गुंजाइश छोड़ें. होपफुली दिस इन्फॉर्मेशन विल मेक सेंस टू यू. सो functional medicine, which is it's something new in the health realm, ke functional medicine aapko batata hai ki aapne apni lifestyle ko kaise behtar karna hai and how to lead a healthy life with the use of minimal medication. And that's what my forte is becoming. That's what my interest is right now. And I'm hoping ke waqt ke saath saath main aapko aur zyada information provide karunga. So without further ado, let's get started. पॉइंट नंबर वन, अब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स की इंपॉर्टेंस तो है अपनी जगह पे, लेकिन अगर आपने अपने रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज करना है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दैट. पहली चीज, जब कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात करते हैं तो द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग इज योर ब्लड वर्क्स. एंड लॉट ऑफ पीपल डोंट टॉक अबाउट दैट बिकॉज अनफॉर्चुनेटली नॉट मेनी पीपल नो अबाउट इट एंड देयरफॉर पीपल डोंट, व्हेन दे डोंट नो अबाउट इट दे जस्ट गोइंग अहेड विद व्हाटएवर दे नो. ठीक है. सो पहली चीज, आपने अपने जो ब्लड टेस्ट है वो आपको कराने की जरूरत है. एंड दैट ब्लड टेस्ट मीन्स सिंपल फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट है. तो इसमें दो तीन टेस्ट, बट टू कीप थिंग्स सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वी वॉन्ट टू कीप इट वेरी वेरी सिंपलिस्टिक ताकि आपको उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन ना नजर आए. तो पहली चीज, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट को फैट लॉस के लिए गियर अप करना है, इफ यू वॉन्ट टू डू थिंग्स द राइट वे, get your blood works, get your fasting blood sugar, which means 12 ghante ki fast hogi, you go and get your blood sugar tested, and if your blood sugar is in the range of 90 ya above hai, so that means we are talking insulin resistance, which simply means that your body is producing way more insulin, your body has become insulin resistant, and that means ke aapke jo carbohydrate ki intake hai further वो और इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी, और जितनी ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होगी उतनी ही इन्फ्लेमेशन और फैट स्टोरेज होगी. सो योर ब्लड टेस्ट इज गोइंग टू गिव यू दैट इन्फॉर्मेशन, दैट इज द फर्स्ट थिंग. और ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हर बंदे को अपनी कार्बोहाइड्रेट की टॉलरेंस निकालने की जरूरत है. आई टेल यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली अबाउट माई सेल्फ.
I always knew that I was insulin resistant. It was, you know, handed down by my family, meri genetics mein tha, and I would always struggle with carbohydrates. Aur wo kam khao to energy low ho jati thi, zyada khao to pet nikal aata tha. You know, I mean, it was really frustrating, and I didn't know how to go about it. And thankfully, functional medicine solved the problem, and it gave me a framework. A methodology कि जिस तरीके से अगर मैं इस तरीके से चलूंगा, systematically चलूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरी carbohydrates की individual, मेरी अपनी tolerance क्या है, how much of my body can tolerate carbohydrates. So that's the first thing, that get your test done, sugar का test कराएं, और उसमें जो आपका result आ रहा है वो आपको बहुत हद तक ये बताएगा कि आपकी शुगर बॉडी में एलिवेटेड है, और अगर शुगर एलिवेटेड है तो मोस्ट लाइकली इंसुलिन भी एलिवेटेड है, और ये दोनों चीजें फैट लॉस के लिए भी ठीक नहीं है, और जनरली हेल्थ और वेलबींग के लिए भी ठीक नहीं, बिकॉज अगर ये इन्फॉर्मेशन एलिवेटेड है, मीनिंग आपकी शुगर और इंसुलिन एलिवेटेड है, तो दैट मीन्स यू आर बिकमिंग अ कैंडिडेट फॉर डायबिटीज, विच इज ए क्रॉनिक डिजीज एंड वन ऑफ द अर्ली साइंस ऑफ हार्ट डिजीज. सो watch out for that. First thing. The second thing is, when we're talking fat loss and carbohydrate optimization, let's not forget that we need to calculate the amount of carbohydrates that we eat. आपका सुबह से लेकर रात तक carbohydrates कितनी खा रहे हैं, that is one critical piece of information, because जब इस intake को जब हम change करेंगे, so we need to know what you've been having on a regular basis and where you need to go. That is essential, that is critical, and that is where most people don't do that, because bas kha hi rahe the. Aur calculation karna isliye zaruri, because you know they say whatever gets calculated gets sorted. So in simple words, subah se leke raat tak, you know, from breakfast to snack, lunch, whatever it is that you're doing, you need to keep a check of what you're eating. And when I say calculation, I'm not saying that you need to work in grams, or aap wo food scale laake usko par dal ke grammage wagaira check karein. That is maybe a bit too tedious and maybe impractical at the same time as well. All I'm talking about is the quantities. How many slices of bread you have at breakfast, how many chapatis you have at breakfast, at lunch, how many tablespoons of rice you have at dinner. जो सब्जी है जो हमारे घरों में आम पकती है उसकी कितनी क्वांटिटी आप खाते हैं, किस तरह की सब्जी खाते हैं, दाल आपके घर में कितनी बनती है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है. जस्ट मेक अ मेंटल नोट ऑफ द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट यू ईटिंग, बिकॉज व्हेन आई वर्क विद माय पेशेंट्स एंड क्लाइंट्स, दैट इज माय फर्स्ट स्टेप. व्हाट आई डू इज आई विल आस्क देम व्हाट इज देयर टिपिकल डे इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे ईट, सुबह से लेकर रात तक वो क्या खाते हैं. सो इट गिव्स मी एन आइडिया कि ये बंदा लेट्स से ऑलरेडी 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहा है, फॉर एग्जांपल. सो इट वुडंट मेक सेंस फॉर मी टू इंस्टेंटली एंड रेडिकली स्लैश आउट द कार्ब्स एंड ब्रिंग हिम टू लेट्स से 75 ग्राम्स. यू नो 200 ग्राम्स वॉज द टिपिकल कंजम्पशन, एंड आई कांट जस्ट स्लैश इट 100 ग्राम्स, आई कांट जस्ट हाफ दैट इनटेक overnight, because जब आप इन चीजों को radically, जो मेरा अगला point भी है, जो इसके अंदर मैं बात करूंगा कि carbohydrates को manage करने का तरीका क्या, तो उसमें मैं बताऊंगा. इस point में सिर्फ आप ये समझे कि you need to calculate the amount of carbohydrates that you're eating, and for some people taking notes makes sense, and you don't have to do this on a daily basis. Maybe एक दो दिन आपको अपनी lifestyle का पता लग जाएगा कि this is what I do, exactly what's happening. So that gives you a clear picture of where you're standing in terms of your carbohydrate intake. ताकि फिर उसके अंदर जो आप changes लेके आओगे ना, वो फिर आपको पता होगा कि मैंने, for example, two slices I was having at breakfast. Now I'm cutting it down to let's say a slice and a half, or whatever change that needs to take place. You know, sometimes maybe you need to increase your carbohydrates, because for a few dieters that I've spoken to, जो आजकल जो सीजन चल रहा है, यू नो द कीटो मूवमेंट एंड द इंटरमिटेंट फास्टिंग मूवमेंट, सो दे हैव यू नो अक्रॉस द बोर्ड एवरीबडी हैज डेवलप्ड दिस फियर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के, यू नो इट्स बैड, यू नो अक्रॉस द बोर्ड वी गॉट टू अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल, एंड नथिंग कुड बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ. सो पॉइंट नंबर वन, गेट योर ब्लड वर्क्स, नो योर फास्टिंग शुगर. नंबर टू, calculate your carb intake and see what your average intake is throughout the day, so that when you start making changes, you know exactly where you stand and where you need to go. Point number three,
gradual reduction of your carbohydrate intake. You know, I believe that most of us are in the neighborhood of consuming about 150 to 250 grams of carbohydrates a day. Okay, that's a big range, or ye obviously saron ko main iske andar le raha hu. Some people will have somewhere around 300 grams of carbohydrates as well. So wherever you are, aapne apna point number 2 mein maine bataya, aapne apne carbohydrates calculate kar liye. Ab aapne unko gradually kam karne ka plan banaya, which means that you are going to have a plan that is going to reduce your carbohydrates slowly. Let's say you're having 250 grams of carbohydrates. ठीक है, अब आप उसको कम करोगे. और किस तरह करोगे? Let's say you're having 2 slices of bread in the morning, and then you're having maybe 2 pieces of fruit a day, and then you're having maybe, let's say, 12 or 15 tablespoons of rice. ठीक है, अब ये आपकी करंट इनटेक थी. इसको जब आपने कम किया और आपने let's say 15 tablespoons से आप 12 पे आ गए, और वहां पे आप let's say if you were having 2 slices of bread, you would bring it down to maybe 1.5. तो आहिस्ता आहिस्ता आपने नीचे लेके आना है कि यू सीइंग कि मेरे पूरे दिन के अंदर हर जगह पे कार्बोहाइड्रेट्स इंसर्ट हुए हैं. तो आप या तो उनकी क्वांटिटीज को कम कर सकते हैं, या आप एक जो स्नैक या मील है जिसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स थे, आप उसको निकाल सकते हैं. यू कैन गो बोथ वेज. इट डजंट रियली मैटर एज लॉन्ग एज व्हाटएवर चेंज यू आर मेकिंग, एंड दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट, एज लॉन्ग एज व्हाटएवर अप्रोच यू आर टेकिंग इज सेटलिंग विद यू, इज नॉट मेकिंग योर लाइफ डिफिकल्ट, work with that. So for example, if you're good with having carbohydrates, let's say you have 3 meals and 2 or 3 snacks a day, to ye 5 to 6 eating windows ho gayi. Theek hai, to aap ya to in saron ke andar thoda thoda kam kar sakte hain, ya 3 meals ke andar carbohydrates ko maintain karte hue jo andar snacking ki windows thi unko aap kam kar sakte hain ya unko eliminate kar sakte hain. So whatever you're comfortable with, you go with that. Theek hai ji. So this is my third point. और जब आप ये gradual reduction करेंगे ना carbohydrates की, तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता ना, शुरू में तो आपके लिए आसान होगा. जिस तरह लोग intermittent fasting करते हैं, keto करते हैं, you know the first few days they're okay, you know they're fine, but once they hit 7th, 10th, 12th day or even the 14th day, then their cravings start to go really up, and that's where problem comes in. और उसको tackle करने के लिए I have another approach which is called carb loading, carbohydrate loading, and literally it is what it means, that you load up on carbs. Hota hai kya hai, main aapko uski thodi si science bata deta hu. It's quite interesting actually. You see, the carbohydrates that we eat, whatever is above and beyond our current intake, yani ki jo body ko us waqt carbohydrate ki zarurat thi, jab wo utilize ho gaya, agar hum usse zyada apni intake le rahe hain, if we are eating more then what our body needs at that point in time, to wo phir store ho jata hai kahan pe, as glycogen. And glycogen, which is the stored form of carbohydrates, it gets stored in liver and muscle. Theek hai, to ab kya ho raha hai ki aapne apne carbohydrate ki intake kam karni shuru ki, aapne pehle hisab lagaya ki main itne carbs khata hu, phir aapne usko gradually apna ek plan banaya ki maine apne carbohydrates ek aiste aiste kam karke ek point pe leke aana hai. तो जब आप ग्रेजुअली अपने कार्बोहाइड्रेट को कम करोगे, तो जो बॉडी के अंदर स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स है, जो ग्लाइकोजन है, वो यूटिलाइज होनी शुरू हो जाएगी. एंड दे विल कम अ पॉइंट दैट योर स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स विल बी एट द बेयर मिनिमम. और जब बॉडी के अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लाइकोजन एक क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच जाती है, जब स्टोरेज उसकी बहुत कम हो जाती है, तो द बॉडी सेंड्स सिग्नल्स. व्हाट आर दोस सिग्नल्स? क्रेविंग्स का बढ़ जाना, एनर्जी का डिप कर जाना, यू नो बैठे हुए हैं, बैठे एकदम खड़े हुए हैं तो आंखों के आगे अंधेरा आ जाना. दीज आर साइंस दैट नीड फॉर यू टू पे अटेंशन टू. दे आर नॉट साइंस दैट यू नीड टू निग्लेक्ट एंड इग्नोर. अनफॉर्चुनेटली फिटनेस इंडस्ट्री, मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर 20 साल काम किया, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द फिटनेस इंडस्ट्री, बट सम ऑफ द थिंग्स आर रियली रियली हर्टिंग rather than helping. So हमें बताया जाता है कि क्रेविंग हो रही तो उसको इग्नोर करो, इग्नोर करो, इग्नोर करो. यू डोंट नीड टू इग्नोर दिस इन्फॉर्मेशन, यू नीड टू पे अटेंशन टू दिस इन्फॉर्मेशन. सो यू आर रिड्यूसिंग योर कार्ब्स ग्रेजुअली, और एक पॉइंट आता है कि आपकी क्रेविंग्स आप देख रहे हैं कि बहुत बढ़नी शुरू हो जाती है, और लोग फिर अजीब अजीब से टोटके करते हैं उस क्रेविंग को बांधने के लिए. कुछ अपनी चाय की इंटेक बढ़ा देते हैं, कुछ करना शुरू कर देते हैं, सम पीपल स्टार्ट स्मोकिंग मोर. व्हाटएवर योर नेचुरल डिस्पोजिशन इज, you need to hold it off for a while, because this time you're going to do things the right way. So aapne jab ye establish kar liya
कि आपके बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट थी वो एक मिनिमम लेवल पे पहुंच चुकी है जिसके सिम्टम्स आप फील कर रहे हैं, देन इट इज टाइम टू लोड अप ऑन कार्ब्स, कार्ब लोडिंग. और फिर वो जो एक दिन होएगा, दैट वन डे कुड बी आफ्टर 7 days, इट कुड बी आफ्टर 10 days, इट कुड बी आफ्टर 15 days. हर बंदे के लिए ये डे फर्क होएगा, एंड दैट्स वाई इट हैज टू बी एन इंडिविजुअल थिंग. आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बात को समझ के इसको आपने करना है कि व्हेन यू स्टार्ट ग्रेजुअली रिड्यूसिंग योर कार्ब्स, यू हिट अ पॉइंट ऑफ कार्ब डिप्लीशन, कार्ब्स यूज अप हो गए, डिप्लीट हो गए. उस दिन आप कार्ब लोड करेंगे और उस दिन सिर्फ आप कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, ना आप प्रोटीन खाएंगे, ना आप फैट्स खाएंगे. ऑल यू विल डू इज यू विल स्टार्ट फ्रॉम ब्रेकफास्ट, यू विल गो अप टिल नाइट, एंड यू विल जस्ट लोड अप ऑन कार्बोहाइड्रेट्स. और व्हेन वी से लोड अप ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपने जर्दे का पूरा पतीला खा लेना है. इट्स नॉट, इट डजंट मीन दैट यू विल हैव द इंटायर लोफ ऑफ ब्रेड, दैट्स नॉट व्हाट इट मीन्स. इट जस्ट मीन्स कि जो आपके उस दिन के अंदर जितनी भी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होगी ना, वो सारी कार्बोहाइड्रेट से आ रही होगी. सो इन दैट वे यू विल रिमेन विद इन योर कैलोरिक लिमिट, बट यू विल ऑल्सो बी रिफ्यूलिंग एंड रिफिलिंग योर ग्लाइकोजन स्टोर्स, योर स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स. सो उससे क्या होता है कि आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स या कार्बोहाइड्रेट जो बॉडी के अंदर स्टोर होती है वो एक लिमिट पे वापस आ जाती है. द लेवल्स गो अप, यू स्टार्ट फीलिंग गुड, योर क्रेविंग्स गो डाउन, योर एनर्जी इज रिस्टोर्ड, यू नॉट हैविंग एनी blackouts, etc. That is a time when you have to be back on track. तो ये जो carb loading है, इसका एक और भी benefit ये है कि हम इसको दूसरे तरीके से भी बोलते हैं, we call it metabolic confusion, which means कि when you're doing a plan for a few days, maybe a few weeks, the body adapts. आपने देखो होगा कि जब आप एक plan कर रहे होते हैं, थोड़ी देर चलने के बाद बॉडी अडेप्ट करना शुरू हो जाती है, आपके प्रोग्रेस स्टॉल होना शुरू हो जाता है, आपकी रिजल्ट्स कम होना शुरू हो जाते हैं, एंड इट कम्स टू अ पॉइंट व्हेन यू डोंट सी एनी रिजल्ट्स, एंड दैट इज द पॉइंट यू नीड टू कंफ्यूज योर मेटाबॉलिज्म, यू नीड टू चेंज समथिंग सो दैट योर मेटाबॉलिज्म स्टार्ट्स वर्किंग अगेन. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट्स डूइंग. सो इट इज लिटरली हिटिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, कि एक तो आप मेटाबॉलिक कंफ्यूजन कर रहे हैं, दूसरा आप अपने बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट जो खत्म हो गए थे उनको आप रिफ्यूल कर रहे हैं. सो अ बिट आई वुड से के टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस, बट वंस यू गेट इन गेट गुड एट इट, ट्रस्ट मी यू लव दिस आइडिया. बिकॉज फॉर मी आई कैन टेल यू ऑनेस्टली स्पीकिंग, के मैं भी ये भी सोचता था, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 75 grams कार्बोहाइड्रेट खानी है तो मैं सोचता था कि ये 10, 15, 20, 25, 30 दिन इसी तरह चलता रहेगा, एंड आई वुड गेट सिक ऑफ इट. और वही होता था जो आपके साथ हुआ है. सो नाउ दैट आई एम कंफ्यूजिंग, आई हैव माई डे द कार्ब लोडिंग डे, एंड देन आई एम कंफ्यूजिंग माई मेटाबोलिज्म, माई प्रोग्रेस इज कंटिन्यूइंग, एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, एंड इट विल मेक सेंस टू यू एज वेल. तो नाजीन, दिस इज द फोर्थ पॉइंट. नाउ द फिफ्थ एंड द फाइनल पॉइंट इज your carbohydrate intake should be different on workout days. This is a critical point. I don't know how many days you're working out, and my hope is you're not working out more than 4 days. You know, I've been talking about this again and again. Main iske upar zyada baat nahi karunga. So let's say the 4 days that you work out, in dino mein aapki carbohydrate ki intake thodi si zyada hogi. Jo non-workout days hoenge, unke andar carbohydrate ki intake kam hogi. The whole premise is, the whole idea is that because your workout, depending on what kind of intensity that you're employing, your body is going to use up the stored carbohydrates. So, hum karte kya hain ki apni body ke andar jo stored carbohydrates hote hain na, us level ko koshish karte hain ki usko zyada se zyada der tak chalate rahe, aur wo jitna slowly wo stores use hoenge, utna hi hamare fat loss aur metabolism ko benefit milega, hamare thyroid ko bhi utna benefit milega. So, the days that you're working out, you're adding maybe 25 to 30 grams additional carbohydrates, and 25 to 30 grams additional carbohydrates ka matlab hai, you're literally having one medium banana or one apple, you know, something like that. You don't have to have like, matlab aapko truckload khane ki zarurat nahi hai. So these are minor adjustments, ki aapne workout se pehle ya workout ke baad ek carbohydrate ka snack le liya, usse aapke jo additional glycogen use hui bhi hai वो रिप्लेनिश हो जाएगी. सो दिस इज वन क्रिटिकल पॉइंट, एंड यूजुअली पीपल हु एक्सरसाइज मेक दिस मिस्टेक. जिस दिन वो वर्कआउट कर रहे हैं उस दिन भी उनकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक वो है, और नॉन वर्कआउट डेज के ऊपर भी उनकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक सेम है. इट डजंट, इट्स नॉट द बेस्ट वे टू गो. ठीक है,
नाउ माई लास्ट एंड ये बोनस टिप आपको बता रहा हूं, ये अब आपने क्या करना है, ये है एंड दिस इज फॉर लेडीज, नाउ दिस इज अबाउट योर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड कार्बोहाइड्रेट इनटेक, ठीक है, योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, दिस इज आई एम गिविंग यू अ बोनस टिप बिकॉज हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, गॉट 5 मिनट्स. इसमें क्या होता है कि आप अपनी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको सामने रखते हुए अपनी कार्बोहाइड्रेट इनटेक को प्लान करते हैं, एंड द सिंपल रूल इज के ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुअल साइकिल एस्ट्रोजन विच इज द डोमिनेंट फीमेल हार्मोन, एस्ट्रोजन बॉडी के अंदर इन दिनों में ये 4-5 दिन जो होते हैं इसके अंदर आपकी एस्ट्रोजन डिप कर रही होती है, बल्कि 1-2 दिन पहले ही आपकी साइकिल से पहले जब पीएमएस शुरू होता है तब उस वक्त से ही डिप करनी शुरू हो जाती है. सो इन टोटल लेट्स से अबाउट 6 to 7 days, तो इन दिनों में आपकी कार्बोहाइड्रेट की इनटेक ज्यादा नहीं होगी, कम होगी, बिकॉज एस्ट्रोजन हेल्प्स इन मेटाबोलाइजिंग कार्बोहाइड्रेट्स वेल. जब एस्ट्रोजन कम होती है तो बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, जब बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है तो जो थोड़े से भी आप कार्ब्स खाएंगे ना वो सीधा फैट स्टोरेज के अंदर जाएंगे. नाउ द वन क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क इज कि अदनान मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो यूजुअली क्रेविंग्स बढ़ती हैं तो उसका क्या करें, तो उसके लिए फिर एक तो आपको उन दिनों के अंदर एक तो वर्कआउट बहुत चेंज करना पड़ेगा. आई मीन आई वुड रिकमेंड कि जो वर्कआउट डेज के अंदर आप जो मेंस्ट्रुअल डेज के अंदर आप वर्कआउट करते हैं उसकी इंटेंसिटी उसकी ड्यूरेशन कम रखें, और जो बाकी 3 हफ्ते हैं उनके अंदर आप व्हाटएवर दैट यू डूइंग, तो उससे क्या होगा कि आपकी वर्कआउट इन दिनों में जब चेंज होएगा तो आपकी कार्बोहाइड्रेट की इनटेक के ऊपर भी अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, तो उससे आपकी कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट इन दिनों के अंदर कम होगी. और इसके साथ साथ जब आप अपनी बॉडी का इन दिनों के अंदर ख्याल रखते हैं, इन द डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल योर मेंस्ट्रुएटिंग डेज व्हेन यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, व्हेन यू आर लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ, व्हेन यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर इमोशनल एंड फिजिकल नीड्स, तो उससे भी आपकी क्रेविंग्स कम होने शुरू हो जाती है. दिस इज परहैप्स अ टॉपिक फॉर सम अदर टाइम दैट हाउ टू ऑप्टिमाइज योर फिटनेस एंड हेल्थ कीपिंग इन माइंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट उसमें से मैंने थोड़ा सा चंक निकाल के आपके साथ शेयर किया है. सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज गोइंग टू मेक सेंस टू यू. सो गाइस 6 पॉइंट्स आई हैव डिस्कस्ड विद यू. पहला ब्लड वर्क्स, गेट योर फास्टिंग शुगर, इंटरप्रेट दैट इन्फॉर्मेशन एंड देन प्लान योर कार्ब इनटेक अकॉर्डिंगली. नंबर टू, कैलकुलेट योर डेली कार्ब इनटेक, दैट इज क्रिटिकल. यू मस्ट नो कि आप क्या क्या खा रहे हैं ताकि आप जब चेंज करेंगे तो यू कैन ऑलवेज बैक ट्रैक एंड सी कि मैं ये खा रहा था और मैं अब यहां पे आ चुका हूं. नंबर थ्री, ग्रेजुअल रिडक्शन इन कार्ब्स. यू कैन नॉट हैव ओवरनाइट चेंजेस के एकदम आपने 30-40-50 ग्राम्स कम कर दिए, दैट इज गोइंग टू बैक फायर, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू. नंबर फोर, कार्ब लोडिंग, जिसके ऊपर हमने बड़ी अभी तफसील से बात की है. नंबर फाइव, योर कार्ब इनटेक ऑन वर्कआउट डेज, एंड लास्टली द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड योर कार्ब इनटेक. सो गाइस, आप देख रहे हैं कि ये बातें बड़ी टेक्निकल थी एंड यूजुअली पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस स्टफ. दे आर आइदर सेइंग कि जी कार्बोहाइड्रेट्स को अक्रॉस द बोर्ड डिमोनाइज कर दिया कि जी ये बुरे हैं, या सारों को एक ही इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू की तो जी आपने सारों को 50 ग्राम्स पे लिया है. इट हैज टू बी एन इंडिविजुअल थिंग. और इंडिविजुअलिटी के अंदर मैं एक चीज बताऊंगा कि ये जितना आप खुद समझ के करेंगे, जितना आप इंटरेस्ट लेके करेंगे, उतना आपको रिजल्ट मिलेगा. सो आई एम नॉट सेइंग दैट यू कट आउट योर ट्रेनर और योर न्यूट्रिशनिस्ट. ऑल आई एम सेइंग इज दैट यू शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट, नो द साइंस एंड स्टार्ट वर्किंग विद हूएवर प्रोफेशनल यू आर वर्किंग विद टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स. सो गाइज, दिस रैप्स अप माय सेशन. अब मैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ रहा हूं. लेट्स टॉक अबाउट दैट. ओके, मेरीन पूछ रही है, इन केस ऑफ क्रेविंग्स फॉर स्वीट्स लाइक चॉकलेट्स, मिठाई, व्हाट टू डू देन. आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज क्रेविंग्स इज अ प्रॉब्लम फॉर एवरीबडी. मेरीन, क्रेविंग्स की मैनेजमेंट इज एन आर्ट इन इटसेल्फ, इट्स अ साइंस एज वेल. माय ओपिनियन इज कि क्रेविंग्स के मल्टीपल सोर्सेज हैं. क्रेविंग्स हैपन बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन. एक तो ये कि आपने या तो अपनी कार्बोहाइड्रेट बहुत कम कर दी, या आपने बहुत रेडिकली कम की, या आपकी नींद के अंदर मसला था, या आपका स्ट्रेस अनमैनेज्ड है. इट कुड बी एनी ऑफ दीज थिंग्स, और इट कुड बी ऑल ऑफ देम, और इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन. आई डोंट नो योर केस, आई डोंट नो योर हिस्ट्री,
बट इफ यू नो कि ये कहां से आ रही है, किन किन क्या इनकी रीजंस हैं, रूट कॉज क्या है, तो आप उनको अकॉर्डिंगली एड्रेस करें. सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन. बाय द वे, इट रिमाइंड्स मी कि हमारा एक क्रेविंग्स कंट्रोल का एक ऑनलाइन कोर्स भी है, एंड आई थिंक इफ यू प्लेस एन इंक्वायरी विद आर एडमिन टीम, दे शुड बी एबल टू गाइड यू बेटर. सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन. सो आई गेस नॉट मेनी पीपल हैव आंसर्ड. आई एम गोइंग टू चेक ऑन आवर अदर प्लेटफॉर्म एंड देन वी कैन कॉल इट अ डे. Okay guys, I think we don't have any questions, so I think you're processing this information, which is great. If you have any questions, aap baad mein isko likhiyega. I'm going to try. I know I keep saying ki I'm going to try and reply, but unfortunately kaam itna overwhelming hota hai ki wo comments ke shayad pahunch us tarah nahi main pahunch pata. So guys, do things the right way, use science. Take some of this responsibility on your shoulders. जब आप इस तरीके से अपनी सेहत को और अपनी हेल्थ को और अपनी फिटनेस को प्रायोरिटाइज करते हैं, when you take the initiative, the results are much, much, much better. And one last note before I go, your health comes first. When you prioritize your health, then your metabolism does wonders for you. But if you take the rapid weight loss course, जब आप अपने सारे साइंस को इग्नोर कर रहे हैं, बाल भी गिर रहे हैं, एनर्जी भी डिप कर रही है, स्किन डिस्कलरेशन हो रही है, और ये सारी चीजें करेंगे और अपनी सेहत को इग्नोर करेंगे, अपने आपको ये नहीं पता कि आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं, अगर आप इन चीजों को इग्नोर करते हुए अपने वेट लॉस की तरफ और व्हाटएवर योर गोल इज उसकी तरफ जा रहे हैं, द रिजल्ट इज गोइंग टू बी व्हाट यू ऑलरेडी नो. आई डोंट नीड टू से मच अबाउट दैट. सो गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. लेट अस नो व्हाट यू थिंक एंड डू ऑल्सो गिव अस सम आइडियाज about the topics that you have in mind. Maybe we can answer more of your questions. Guys, thank you very much. We'll be in touch. Ciao.